ओके दिस इज एल्वियोलाई है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग, ठीक ना। होता है क्या है, इसके नीचे से गुजरता है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी है ना। अब गैसेस का एक्सचेंज कुछ इस तरीके से होता है, देखेंगे। ऑक्सीजन अंदर की ओर एंटर करेगा है ना, और CO2 बाहर की ओर रिलीज आउट होता है, इस तरीके से CO2 बाहर की ओर रिलीज होता है। ओके, ये ऑक्सीजन अब जाएगा टिश्यू के पास, टिश्यू यूटिलाइज करेगा इस ऑक्सीजन को फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और टिश्यू रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा है ना। दिस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली कैरिड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, ठीक ना। दिस CO2 कंबाइंस विथ वाटर एंड फॉर्म्स कार्बोनेट, ओके, कार्बोनेट बनाता है। ओके, तो कार्बोनेट के फॉर्म में CO2 को कैरी आउट करवाया जाता है इन मैक्सिमम अमाउंट है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन को रिसीव करने वाला जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक ना। हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को रिसीव करता है ज्यादातर, और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है रेड ब्लड सेल में, इसलिए बोलते हैं ना आरबीसी इज नेसेसरी फॉर कैरिंग द ऑक्सीजन, इसलिए कहते हैं, क्योंकि आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्सीजन को ढोने के काम में आता है ना। तो इस तरीके से एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक ना। यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं एल्वियोली हैज लेयर्ड सेल है ना, ओके, दैट इज सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल, ठीक है। इसके पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू दिस CO2 एंड ऑक्सीजन easily diffused to it, easily diffuse through it, ठीक है। बहुत आसानी से इससे डिफ्यूज हो सकते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ठीक है। चलिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, ब्रीदिंग खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है। ब्रीदिंग खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगले सेक्शन में देखते हैं, ठीक है। अगला सेक्शन है इसका क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर डील कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। हाँ, और कुछ कुछ इसमें सब टॉपिक्स था वो हम बताए नहीं है, वो अभी जैसे कि ये, ठीक है, ब्रीदिंग इन एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर किस तरीके से ब्रीदिंग होना है गैसेस का। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, उनमें सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन के माध्यम से गैसेस का एक्सचेंज होना है ना, होता है ना। फॉर्म के केस में क्यूटेनियस स्किन के थ्रू होता है, मेंढक के केस में भी स्किन के थ्रू होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स के केस में एयर ट्यूब्स होते हैं या फिर ट्रेकिया कहा जाता है। लंग्स प्रेजेंट रहता है फ्रॉग में, लिजर्ड, बर्ड्स, हम में होता है, ठीक है।
ठीक है, फ्रॉग रिस्पायर थ्रू स्किन एज वेल एज लंग, है ना, स्किन से सांस लेगा जब पानी में प्रेजेंट रहेगा, और लंग का इस्तेमाल करेगा जब वो जमीन पे प्रेजेंट रहेगा, है ना। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 देखेंगे जरा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन बताएंगे, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन द इंसेक्ट्स आर, इंसेक्ट के अंदर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या होगा। ट्रेचिया होता है, स्पायरिकल्स भी कहते हैं, ट्रेचिया को स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना, ट्रेचिया को। नेक्स्ट, सुन पा रहे कि नहीं तुम लोग, सुन पा रहे हो कि नहीं। यस सर, ओके, नंबर 5। ओके, द नार्वेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ट्यूब ऑफ लंग आर टर्म्ड एज, द नार्वेस्ट एंड द मोस्ट न्यूमरस ट्यूब, ट्यूब की जिक्र करी जा रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। द नॉर्मल रिस्पायर इन ए मिनट, ठीक ना, 1 मिनट में हम कितना बार रिस्पायर करते हैं, यू नो दैट हाउ मच, सर 20 to 25। कितना, 22, 25, नहीं 17 के आसपास, 17 times के आसपास हम ब्रीथ करते हैं। 14 to 18। ठीक है, ओके। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड CO2 इन मैमल टेक्स प्लेस इन, किसमें होता है, मैमल्स, एल्वियोली में होता है, एल्वियोली में, ओके। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन मसल ऑफ डाइफाम, हाँ, इंस्पिरेशन के दौरान डाइफाम का मसल क्या होता है, कौन, डाइफाम मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपांड होगा, नो इफेक्ट, होल्डिंग लाइक स्प्रिंग, क्या होगा, हाँ हाँ एक्सपेंड क्या होगा, ये नॉर्मल है, ठीक ना, ये नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल है, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए इट हैज टू कम टू दिस पोजिशन, कम इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में आना होगा, इस कंडीशन में आना होगा, इस कंडीशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड का मतलब होता है बढ़ना, एक्सपैंड का मतलब होता है इंक्रीज, तो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स व्हाट, ओके, रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स रिस्पायरेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, रिस्पायरेशन, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन सही है, डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, ये बी पॉइंट सही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज, पहले बता चुका हूँ, दैट इज एपिग्लॉटिस, हाँ बता चुके हैं ना, है ना, यहाँ पे ये हो गया ग्लॉटिस, और यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट रहता है जो भोजन को जाने नहीं देता है अंदर, दैट इज एक्चुअली एपिग्लॉटिस, ये वाला, है ना, ये हो जाएगा फूड पाइप, ये हो जाएगा विंड पाइप, मतलब सांस बाहर रिलीज करना है ना, तो सांस बाहर रिलीज करने के लिए रिलैक्स होना है, दोनों को रिलैक्स होना है, दोनों मतलब कि इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स होगा, डायफ्राम भी होगा, ये सही है, ठीक है, एक्सपायरेशन के लिए, इंस्पायरेशन के लिए ये होता है, ये एक्सपायरेशन के लिए, ओके, चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इन फीवर ब्रीदिंग रेट, फीवर जब बीमार पड़ते हैं हम लोग तो उस समय एनर्जी की आवश्यकता ज्यादा होती है हमारे शरीर को, ठीक ना, ऑक्सीजन डिमांड को मीट करवाने के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, आंसर क्या होना है,
इंक्रीज होना है, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, मैमेलियन लंग्स आर व्हाट? होलो, सॉलिड एंड स्पॉन्जी. स्पॉन्जी, नन. सर होलो. ठीक है, होलो नहीं होना है, स्पॉन्जी होना है. सॉलिड और स्पॉन्जी बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एल्गोली होता है ना. होलो कहने का मतलब होता है जैसे कि खाली डब्बा हो, खाली डब्बा हो, ठीक ना. तो इसका आंसर अप्रोप्रिएट ये होना है, सॉलिड एंड स्पॉन्जी. स्पॉन्जी होता है क्योंकि वहां पे गैप्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना. नेक्स्ट, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द प्रेशर इज मैक्सिमम इन. हाँ ये बताओ 14 का. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द प्रेशर ऑफ एयर इज मैक्सिमम इन. एनवायरमेंट. वेरी गुड, एनवायरमेंट. 15, इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. ना, इफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन increases in blood, then breathing will. ये भी technical है. क्या होगा बताएंगे? Carbon dioxide concentration in blood. If CO2 concentration increases in blood, then breathing will increase. ठीक ना, breathing बढ़ जाएगा क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा सांस लेके इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करने की कोशिश करेंगे. नेक्स्ट, द इंस्पिरेशन इन रिस्पिरेशन एयर पैसेज थ्रू. बताएंगे जरा. सिक्सटीन सॉल्व कर पाओगे? सर डी. लारिंग्स, फैरिंग्स, ट्रेचिया, लंग्स. डी देखते हैं, लारिंग्स, नसल कैविटी. ये क्यों नहीं हो सकता? नंबर बी क्यों नहीं हो सकता? देखो लारिंग्स पहले आता है, फैरिंग्स पहले, फैरिंग्स आता है, फिर लारिंग्स आता है, फिर ट्रेचिया आता है ना. Yes, sir. इसलिए ये कैंसिल, ये रिजेक्ट. बच्चा कौन? बी, नसल कैविटी, नाक, फिर माउथ, फिर लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स, फिर ट्रेचिया, सी शेप्ड कार्टिलेज, ब्रोंकाइज, ब्रोंकियोल्स एंड देन लंग्स. नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू रेस्पिरेटरी ऑर्गन. A special respiratory organ present रहता है, मतलब lungs present रहेगा, lungs present रहेगा. Frog की केस में, अरे यार कुछ गड़बड़ लग रहा है. Respiratory occurs through lungs होना चाहिए, ठीक है, lungs, frog. 18, question number 18. Rate of respiration is directly affected by. ध्यान देंगे, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय CO2 कंसंट्रेशन, है ना. यदि CO2 कंसंट्रेशन कम है, CO2 कंसंट्रेशन कम है हमारे ब्लड में तो ब्रीदिंग स्लो होगा. CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है हमारे ब्लड में तो ब्रीदिंग बढ़ जाएगा. कम ऑन, नोट इट डाउन समवेयर. इफ द कंसंट्रेशन ऑफ इधर कहीं पे, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज मोर इन ब्लड देन रिस्पिरेशन ब्रीदिंग. ओके, इंक्रीजेस, बढ़ता है, एंड वाइस वर्सा.
ठीक ना, मतलब ब्रीदिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड, ठीक ना। CO2 का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है तो ब्रीदिंग ज्यादा होगा, CO2 कंसंट्रेशन कम है तो ब्रीदिंग भी कम होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन इन लंग्स अल्टीमेटली रीचेस व्हाट सर? एल्वियोली। एल्वियोली, ऑक्सीजन इन लंग्स, लंग्स में ऑक्सीजन फाइनली रीच करता है एल्वियोली को। मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द ब्लड एज बाय कार्बनेट, बताया था ना? ओके, अच्छा, H2CO3 N2CO3 बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। ओके, कार्बोनेट ठीक है, लेकिन कार्बोनेट मोनो में या डाई में, ठीक ना, तो बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे आपके बुकलेट मेंशन है, टू सीओ थ्री सबसे ज्यादा इसके फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड की कैरीड आउट करी जाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट कैसा, सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, याद रखेंगे, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ज्यादातर कैरिड आउट होता है, कार्बोनेट सही है लेकिन कौन सा कार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट। ओके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोली ऑकर्स थ्रू, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन है कहीं पे, देखो तो, यस सर, सी नंबर, सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होना, ऑस्मोसिस पानी के लिए होता है ना। हेमोग्लोबिन इज व्हाट, हेमोग्लोबिन इज व्हाट, हेमोग्लोबिन ब्लड के अंदर, ओके, इट इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, पिगमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेड कलर का होता है ना। द मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑफ हेमोग्लोबिन इज विथ, ध्यान देंगे, मैक्सिमम बॉन्डिंग ऑफ हेमोग्लोबिन इज विथ, इसकी सब, इसका कैपेसिटी इस तरीके से होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके साथ है, इसके साथ है CO, नेक्स्ट होता है CO2, देन ऑक्सीजन, तो सबसे मैक्सिमम बाइंडिंग कैपेसिटी किसके साथ है ये, कार्बन मोनोक्साइड के साथ, फॉलोड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, डाइऑक्साइड फॉलोड बाय ऑक्सीजन, ठीक ना, ऑक्सीजन से बहुत कम एफिनिटी है ना, कार्बन मोनोक्साइड का सबसे ज्यादा है, तो कार्बन मोनोक्साइड है ऑप्शन में है, यस सर, ए नंबर। वोकल कॉर्ड ऑकर्स इन, वोकल कॉर्ड मतलब साउंड बॉक्स, इसको कहा जाता है लारिंग्स को, लारिंग्स को। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, चैप्टर खत्म हो गया ना, ठीक है, रहने देते हैं, ओके, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला चैप्टर, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, ठीक ना, तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक ना, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का फंक्शन बताएंगे, ब्लड प्रेशर वगैरह बताएंगे, ठीक है, देन विल कम डाउन टू द एसेंट ऑफ सैप इन केस ऑफ प्लांट, ठीक है, उसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लिम्फ वगैरह इसी में डिस्कस करेंगे, ये भी लंबा चैप्टर है, ठीक ना, अगले दिन स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके, खत्म कर देंगे, चिंता नहीं करेंगे सिलेबस का,
8:15 तक क्लास है ना आप लोग का? यस सर। ठीक है तो चलिए कुछ पढ़ लेते हैं और क्या। 60, 40 हाँ ठीक है। यहाँ से किसी को डाउट है तो पूछ लेंगे सर से, नहीं तो हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सर्कुलेटरी सिस्टम मींस द वे ऑफ द मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ठीक ना, एनिमल में, एनिमल बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होना। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम मींस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। और ये रहा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सो ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट होता है शरीर में ताकि न्यूट्रिशन सभी सेल्स तक पहुंच सके, हीट ट्रांसफर हो सके, टॉक्सिक सॉल्वेंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए, उसको एलिमिनेट कर दिया जाए शरीर से। ठीक ना, सो इन्हीं सभी पर्पसेस के लिए ट्रांसपोर्टेशन जरूरत होता है ना, क्योंकि सारे सेल्स सारे काम नहीं करते हैं, है ना, सारे सेल्स सारे काम नहीं करते हैं। तो मान के चलो एक सेल डाइजेशन का काम किया, तो वो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पूरे बॉडी को पहुंचना चाहिए ना, तो पूरे बॉडी तक पहुंचाने के लिए, हर सेल्स तक पहुंचाने में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, है ना। सो ये सिग्निफिकेंस होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इन ह्यूमन बॉडी। यदि मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है तेलंगाना में, है ना, तो तेलंगाना से उसका उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पूरे भारतवर्ष में, है ना। हो सकता है कुछ चीजें तेलंगाना में प्रोड्यूस ना करी जा रही हो, तो वहां पे सप्लाई करेंगे दूसरे जगह से, है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेबर, द अमाउंट ऑफ लेबर, द नंबर ऑफ लेबर आर मोर इन यूपी, बिहार एंड झारखंड, तो इन जगहों से लेबर की ट्रांसपोर्टिंग करी जाती है, सप्लाई करी जाती है। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूरी है इन ऑर्डर टू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। उसी की तरह, है ना, उसी की तरह एक सेल एक फंक्शन कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, उस प्रोडक्ट को दूसरे सेल तक पहुंचाना है, देन फॉर दिस पर्पस वी नीड अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, है ना, ये चाहिए होता है हम लोगों को। तो इसलिए हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग डील करेंगे है ना वेस्ट प्रोडक्ट है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना है, देन वी नीड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब ये रहा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे हार्ट होगा फॉर एग्जांपल, ठीक ना, दिस इज हार्ट। ओके, हार्ट एक तरफ से ब्लड को सक करेगा, दूसरे तरफ से ब्लड को पंप कर देगा। इस तरफ से ब्लड सक किया, इस तरफ से ब्लड को बाहर निकाल दिया, है ना। सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में कोई स्पेशल ट्यूब प्रेजेंट नहीं रहता है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं रहता है, सिंपली एक ब्लड पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा, एक तरफ से ब्लड को सक करेगा, दूसरे तरफ से ब्लड को रिलीज कर देता है। ठीक है, ठीक सर, इस तरीके से होता है। हाँ जी बोले, बोलिए। I was not asking the question. Sir, I was not asking the question. I said I understood it. अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। आगे बढ़े? Yes, sir. I'm unable to hear you clearly. Yes, sir. Okay. You are asking something? No, sir. No, sir. I'm not asking anything. Okay. ठीक ठीक, चलो। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन से ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट करता है? तो ये एग्जिस्ट करता है कॉकरोच में,
सलमोन में से पैलेमोन में नेक्स्ट पीला है ओपन सर्कल क्विक सिस्टम सर वॉइस नहीं आ रहा ठीक है ये स्पेलिमोन दैट इज करेक्ट ओके करेक्ट बराबर नहीं सो इन सभी ऑर्गेनिज्म में अब सुनाई दे रहा है इज इट ऑडिबल नाउ यस सर नाउ इट्स ऑडिबल ठीक है नेक्स्ट है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के केस में जो ब्लड होता है वो एक पार्टिकुलर ट्यूब के थ्रू पास होता है पार्टिकुलर ट्यूब के थ्रू पास होगा है ना यहाँ पे प्रॉपर चैनल सिस्टम होगा प्रॉपर चैनल सिस्टम कहने का मतलब कि प्रेजेंट होगा और ब्लड बात नहीं करेगा ऑर्गन तक ट्यूब प्रेजेंट रहेंगे माध्यम से ब्लड को पहुंचाया जाएगा ऑर्गन ये होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम क्योंकि ब्लड को बहुत दूर दूर तक है ना सो देखिए वही चीज मेंशन करा होगा दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन मींस ओनली इन द वेसल्स ठीक अर्थवर्म फिश फ्रॉग ह्यूमन बीइंग में इस प्रकार का सिस्टम को फॉलो करा जाता है ठीक है सो सम डिफरेंसेस आर मेंशन बिटवीन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ओके गो थ्रू वंस If you have some doubt, ask me. ठीक है इसको कुछ बता रहे हैं पहला पॉइंट बता रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज फिल्ड इन सिलोम चैनल एंड साइनस सिलम ओके फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्किन ठीक ना ये स्किन है ये है गट ठीक है गट है ये गट कहने का मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक वाला बॉडी ओके और इसके बीच में ठीक ना इसके बीच में इस तरीके से क्या है हेमोसील है ना इसके बीच में ऑर्गन्स है ओके ऑर्गन्स है तो ब्लड इस रीजन में होना है ब्लड जो भी होगा वो ब्लड मूव करेगा इस रीजन में देखो इन सभी एरिया में ब्लड घूमता रहेगा है ना इन सभी रीजन में ब्लड तैरता रहेगा ठीक है ब्लड इज फिल्ड इन सिलोमिक चैनल एंड साइनस सिलोम साइनस कहने का मतलब नैरो ट्यूब पतला सा ट्यूब स्ट्रक्चर होगा उसको हिमोसिल कहते हैं ब्लड सर्कुलेट इन क्लोज्ड वेसल Closed vessels कहने का मतलब arteries और veins are in direct contact with circulating blood. देख लो जरा डायग्राम से पता चल रहा होगा को पूरे cells को पूरे tissues को लहला रहा है बात कर रहा है दूसरे point circulatory system में देखते हैं closed वाले में है ना जैसे कि हमारा kidney हो गया तो किडनी ब्लड से नहाया हुआ नहीं है आई गई है आर्टरीज बिछाया गया है उन्हीं के थ्रू किडनी के सेल्स तक ब्लड पहुंच रहा है ना रेड ब्लड सेल्स आर एब्सेंट इसके केस में आरबीसी एब्सेंट होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट है प्रेशर लो रहता है लेकिन यहाँ पे
ब्लड रैपिडली पहुंचता है फ्लो करता है और हाई प्रेशर से हाई प्रेशर आई टोल्ड यू बिकॉज इट हैज टू रीच वेरी फार फ्रॉम द हार्ट है ना लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करना है इसको सो इन ऑर्डर टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस द स्पीड शुड बी हाई तभी हमारे ब्रेन तक हमारे दिमाग तक पहुंच सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी तभी हमारे पैर तक पहुंच सकता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी और पैर से वापस आ भी सकता है अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना तो प्रेशर ज्यादा होगा तभी ये प्रोसेस हो सकता है अदरवाइज इट वो नॉक है ना होगा नहीं कुछ एग्जांपल दिया गया है लाइक ऑर्थोपोड्स इकोनोडर्मेटा ओपन सर्कुलेटरी में और क्लोज में दिया गया एनालीज मॉलस ओके आई एम मूविंग फॉरवर्ड कोई डाउट इसमें तिशा सर कैन यू एक्सप्लेन द फर्स्ट पॉइंट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगेन Open circulatory system means there is no existence of any tubes and vessels. ठीक है ना आप consider करेंगे just consider a bucket. Consider a bucket filled with water. है ना और उस bucket के अंदर हमने एक motor लगा दिया एक pumping motor लगा दिया ठीक ना तो pumping motor में एक तरफ से पानी आ रहा है तरफ से जा रहा है उस बकेट के अंदर सर योर वॉइस नॉट ऑडिबल तो इस प्रकार का जो उस बकेट में सभी जगह पे ऑर्गन्स और टिश्यूज वाइटल ऑर्गन इट्स बिकॉज ऑफ पुअर नेटवर्क इन माय एरिया इट इज अबाउट टू Sir, your voice is not coming. Because of that. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, is sir. It audible? No, is sir, it not audible now. My. Sir, not okay, properly. Okay, okay. So I'm stopping here because. ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द क्लास ओवर हियर यस सर हेलो यस सर सुन पा रहे हैं मैसेज कन्वे कर देंगे क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं क्लास ठीक है I'll continue from here. ठीक है network is very poor over here. ठीक है फोन नेटवर्क के चलते हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास